نگاهِ روبرو شہنشاہِ شیاطین ابلیس اعظم تشریف لاتے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان انگریزوں
के सामने खड़े ना हो। किसकी लो मेरी बहुत है फरमाने जदीद, किसकी लो मेरी बहुत है फरमाने जदीद, है जहाद इस दौर में मर्द मुसलमान पर हराम। खैर है सुल्तान ये जमहूर का वो वाकिशर, खैर है सुल्तान ये जमहूर का वो वाकिशर, तू जहां के ताला फितनों से नहीं है बाखबर। दूसरा मुशीर, पहले शैतान की बातें सुनकर उठता है और उसे कहता है कि तुम्हें कुछ खबर है कि दुनिया में उस नए फसाद जिसका नाम जमहूरियत है उसके बारे में कुछ बता कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा। मगर मेरी जहाँ बीवी बताती है मुझे जो मुलुकियत का एक पर्दा हो क्या उससे खतर, हमने कुछ शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, हमने कुछ शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, जब सुना आदम हुआ खुद सुना सो खुद नगर। कारोबार शहर यारी की हकीकत और है, कारोबार शहर यारी की हकीकत और है, ये वजूद मीर सुल्तान पर नहीं है मुंहसिन। पहला मशीर जवाब देता है कि मेरी पूरी दुनिया पर नजर होती है जिस मैं हर चीज से आगाह हूँ, तुम जिसे जमहूरियत कह रहे हो वो असल में हमारे तरह के लोग हैं, सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए उन्होंने शाही का लिबास ओढ़ लिया है। रूह सुल्तानी रहे बाकी तो फिर क्या इस तरह, रूह सुल्तानी रहे बाकी तो फिर क्या इस तरह है बाबा, क्या उस यहूदी की शरारत का जवाब, वो कलीमे में तजल्ली, वो मसीहे में सले सुनकर। तीसरा मुशीर कहता है वो कलीम यानी मूसा अलैहि सलाम और मसीह यानी ईसा अलैहि सलाम का दर्जा रखने वाले यहूदी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वह अल्लाह ताला के पैगंबर हैं और एक यहूदी पैगंबर नहीं हो सकता, लेकिन यहूदी ने जो किताब लिखी थी यूरोप के लोग उसको मजहबी दर्जा देते थे, लेकिन वो मजहबी किताबों की तरह नहीं थी। बना सकती है मेरी एक हूँ।
باتیں سن کر اٹھتا ہے اور اپنے مشیروں سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایسی طاقت ہے کہ میں پوری کائنات کو اپنے حق میں کر سکتا ہوں۔ مجھے کسی چیز کا خوف نہیں، بس ڈر صرف مسلمان قوم سے ہے۔ ہماری اتنی لگاتار محنت اور کوشش کے باوجود بھی ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جو صبح سویرے اٹھ کر وضو کرتا ہے اور اپنے رب سے اسلام کے دوبارہ عروج کے لیے التجا کرتا ہے۔ اگر ان کی دعا قبول ہو گئی تو شیطان زمین سے مٹ جائیں گے، کیونکہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔